Dear students, today we are going to start exercise 3.2. Question number 1 we will do. So, question number 1 में हमारे पास है, what is the sum of two of any two odd numbers? First part कर लेते हैं पहले and then second वाला बाद में करते हैं. Sum of the two odd numbers हमने कैसे find out करने हैं बेटे? Odd numbers का दो ऑड नंबर्स लेने हैं, एनी टू ऑड नंबर्स का सम देखना है क्या वो इवन होता है या ऑड होता है. तो हम इसको एग्जांपल के साथ कर लेते हैं. सपोज अगर हम मैंने ऑड नंबर ले लिए, सपोज मैंने एक ऑड नंबर 1 ले लिया और एक ले लिया मैंने 3. अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 प्लस 1 क्या हो जाता है, 4, जो कि एक इवन नंबर है. इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल अगर हमने मैंने लिया, नेक्स्ट पार्ट में अगर मैं ले रही हूँ 5 और दूसरा ऑड नंबर मैंने ले लिया 3, 5 प्लस 3 क्या आ रहा, 8. अब दोनों एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं दो ऑड नंबर्स को जब हमने ऐड किया तो आपके पास क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है. सो दैट मीन्स सम ऑफ द टू ऑड नंबर्स इज इवन. तो आप यहाँ पर लिख देंगे सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज इवन. सो नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं. नेक्स्ट वाला पार्ट है सम ऑफ द टू इवन नंबर्स, सम ऑफ टू एनी इवन नंबर्स आपका क्या होगा, ये लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. तो टू इवन नंबर्स हमने लेने हैं. सपोज मैंने फर्स्ट इवन नंबर ले लिया 2 और सेकंड इवन नंबर मैंने ले लिया 4. 2 प्लस 4 किया तो क्या आ जा रहा है आपके पास, 6 आ रहा है. ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं. सपोज नेक्स्ट इवन नंबर अगर मैंने यहाँ पर ले लिया 6 और दूसरा वाला इवन नंबर मैंने अगर 8 ले लिया तो 6 प्लस 8 क्या हो जाता है, 8 प्लस 6 इज 14. तो आपके पास ये दोनों ही इवन नंबर आ रहे हैं, 6 इज ऑल्सो इवन एंड 14 इज ऑल्सो इवन. सो दैट मीन्स सम ऑफ द टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन. सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज इवन. यहां पर नंबर की शॉर्ट फॉर्म मैंने एनओ लिखा है, इज इवन. फाइन, अब नेक्स्ट वाला हम करेंगे क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये जो ट्रू फॉल्स है बेटा ये आपने खुद ट्राई करने हैं. सम ऑफ द थ्री ऑड और नंबर्स इज इवन, ये आपने थ्री ऑड नंबर्स ले लेने हैं. सपोज क्वेश्चन नंबर 2 की एक दो सम मैं आपको करवा देती हूँ. 3 ऑड नंबर्स अगर हमने ले लिए, 1, 3 और 5 ले लिया. ठीक है, तो 1 और 1 प्लस 3 इज 4, 4 प्लस 5 क्या होता है, 9 होता है. ठीक है, उन्होंने बोला सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स, हमने ऑड नंबर लेने थे, 1 एंड 3 एंड 5 आर द ऑड नंबर्स. जब आप इनको प्लस कर रहे हैं तो आपके पास 9 आ रहा, बट इन्होंने क्या बोला है, इनका जो सम है वो क्या होगा, इवन नंबर होगा. 3 नंबर्स को जब हमने ऑलवेज, अगर हम 3 नंबर्स को इवन ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो आपके पास इवन सम आ रहा, बट हमारे पास क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है. 9 इज एन ऑड नंबर. इसी तरह से और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, ऑड नंबर्स और भी लेके आप कर सकते हो. सपोज मैंने 1 ले लिया, देन उसके बाद मैंने 5 ले लिया. ठीक है, एक और ले लीजिए, 7 ले लीजिए. ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 5 इज 6, 6 प्लस 7 इज 13. 13 भी एक ऑड नंबर है, तो दैट मीन्स ये आपका फॉल्स आ गया. यहाँ पर आपने फॉल्स लिख देना है. ठीक है, सम ऑफ द टू ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन. अब 2 ऑड नंबर्स ले लेने हमने, 2 ऑड नंबर्स आप ले सकते हो. लेट अस डू दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. अगर हमने 2 ऑड नंबर ले लिए, 2 ऑड नंबर ले लिए 5 और ये 3 ले लिया. ठीक है, सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर. ठीक है, एक हमने इवन नंबर लेना है, 2 ऑड नंबर. एक हमने इवन नंबर क्या ले लिया, सपोज मैंने यहाँ पर इवन नंबर 2 ले लिया, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 क्या हो जाता है, 10 है. अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इज ऑलवेज इवन नंबर, तो 10 हमारा इवन होगा. अब इसको फिर से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज सम ऑफ द टू ऑड नंबर्स, 2 ऑड नंबर मैंने ले लिए, यहाँ पर ले लिया 7 और यहाँ पर ले लिया 3, 7 प्लस 3 10 और एक
इवन नंबर ले लिया, सपोज मैंने एक इवन नंबर ले लिया 6, 10 प्लस 6 क्या हो जाता है 16, तो सम क्या आ रहा, इवन आ रहा, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई, सम ऑफ द टू ऑड नंबर्स एंड वन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो गई, यू विल बी राइटिंग ट्रू इन फ्रंट ऑफ दिस, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड, ऑड नंबर्स की प्रोडक्ट हमेशा ऑड होएगी, थ्री ऑड नंबर्स की प्रोडक्ट, फाइन। अब आप थ्री ऑड नंबर्स आप ले सकते हो, इनकी प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करनी है, ऑड नंबर्स थ्री, ऑड नंबर्स हमने पहला ऑड नंबर थ्री ले लिया, ठीक है, दूसरा आप ऑड नंबर ले लो फाइव ले लो, ठीक है जी, ठीक है, और तीसरा वाला ऑड नंबर हमने सेवन ले लिया, ठीक है। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, फाइव सेवन ज़ा 35, 35 मल्टीप्लाई बाय थ्री करेंगे, थ्री फाइव ज़ा 15, थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री इज 9 प्लस 10 105, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, हमने जब थ्री नंबर्स की प्रोडक्ट को करेंगे तो हमारे पास वो ऑड ही आएगा, तो ये हमारे पास 105 क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है, तो दैट मीन्स इट्स ट्रू। इसी तरह से बेटा आपने बाकी सम्स भी कर लेने हैं, ठीक है, बाकी सम्स आपका होमवर्क हो गए। नाउ नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री, द सम द नंबर्स 13 एंड 31 आर द प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 एंड 3, ठीक है, फाइंड सच पेयर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स अप टू 100। अब जैसे यहां पर 13 है, तो 13 को बनाने के लिए मैं 1 और 3 चाहिए, इस तरह से 31 को भी बनाने के लिए 1 और 3 लगाए, 3 पहले लिखा और 1 बाद में, ठीक है। इस तरह के दो आपने और पेयर्स बनाने हैं, जिसमें कि आपके पास ऐसे नंबर्स लेने हैं जो प्राइम होने चाहिए, ठीक है, और उनका रिवर्स करने पर भी आपके पास प्राइम नंबर ही आए। तो इसके लिए सबसे पहले यू शुड नो द सीव थ्योर, दिस आपके पास ये दे रखा है, कोई मैथमेटिशियन था, इसने एक आपके लिए चार्ट बना रखा है, ठीक है। ये आपने बेटा अपनी नोटबुक्स में इस तरह से 1 to 100 आपने नंबरिंग कर लेनी है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले 1 को कट कर देना है, बिकॉज 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ठीक है। उसके बाद ये जो सर्कल में है, ये सारे प्राइम नंबर है, इसको आपने फॉलो कर लेना है, ये स्टेप बाय स्टेप आपको दे रखा है, जो सर्कल में है वो सारे के सारे आपके क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब हमने उसने बोला कि दो नंबर, दो डिजिट्स लेने हैं जिनको रिवर्स करने पर आपके पास प्राइम नंबर ही आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास 11 है, 11 को हम रिवर्स करेंगे तो 11 ही आ रहा, सेकंड वाला ये वाला 13 वाला हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वाला हमारे पास 17 है, ठीक है, 17 एक प्राइम नंबर है, तो उसका रिवर्स करना है, 17 का रिवर्स क्या हो जाएगा 71, तो 71 को हम चेक करेंगे कि क्या 71 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। सो देखो यहाँ पर सर्कल लगा हुआ, दैट मीन 71 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो फर्स्ट पेयर हमारे पास क्या आ जाएगा 17 एंड 71, ओके। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, 19 है नेक्स्ट वाला, तो 19 एंड 19 का रिवर्स क्या होगा 91, 91 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से 23 है, 23 का रिवर्स क्या आ जाएगा 32, 32 जो है एक इवन नंबर है, वो प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह से 29 का 92 हो जाएगा, 92 इवन नंबर है। अब नेक्स्ट मूव करेंगे 31 का, 31 एंड 13 ये सेम, दोनों ही सेम हो गए, इसलिए हम इस ये नहीं ले रहे हैं। देन उसके बाद 41 का रिवर्स क्या हो जाएगा 14, ठीक है, ये भी नहीं हम ले सकते हैं। नेक्स्ट वाला 43 का 34, देन आपके पास नेक्स्ट वाला आपके पास आ जाएगा ये 37, 37 लिया हमने, ठीक है, 37 का रिवर्स ये हमने कर लिया है, 37 का रिवर्स 73 हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, ये 47, 74 भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वाला आपका आ जाएगा 79 एंड 97, 79 का रिवर्स क्या हो जाता है 97, 79 और 97 दोनों क्या हैं प्राइम नंबर्स हैं। तो हमारे पास थ्री पेयर्स क्या बन जाएंगे, हमने यहाँ पर लिख लिए हुए हैं 17 एंड 71, ठीक है, नेक्स्ट वाला है 37 एंड 73, और थर्ड वाला हो गया 79 एंड 97, आर द थ्री पेयर्स फॉर द जो नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं,
ठीक है, जिनको रिवर्स करने पर नेक्स्ट वाला नंबर भी प्राइम ही आ रहा। ठीक है, रिवर्स मतलब जो हमने 3 और 7 यूज किए थे, 3 और 7 से हमारे पास 37 हुआ, 37 हुआ, और फिर अगर हमने इसको 7 आगे ले लिया, 3 पीछे, तो 73 हो गया। रिवर्स करने पर जो नंबर आ रहे हैं वो भी प्राइम नंबर ही होने चाहिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर्स एंड द कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। इसके लिए एक मेथड है बेटा, आपने क्या करना है, यू विल बी राइटिंग ऑल द प्राइम नंबर्स। पहले आपने काउंटिंग लिख लेनी है, 1 to 20 आप काउंटिंग कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है जी, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। काउंटिंग लिख लीजिए। अब हमने 1 को क्रॉस कर देना, क्योंकि 1 क्या है, ना तो कंपोजिट है ना ही आपका प्राइम नंबर है। ठीक है जी, नेक्स्ट वाला आपने, आपका नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, 2 है, देन 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, देन अगला वाला प्राइम नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स को हमने सर्कल कर देना है। नेक्स्ट वाला आपका 11 है। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो वो नंबर या फिर 1। ठीक है, 2 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो ये आपका 11 हो गया, उसके बाद 13 हो गया प्राइम नंबर, एंड उसके बाद आपका 14, 15 भी नहीं, उस तक 16 भी नहीं, 17 हो गया प्राइम नंबर, एंड देन 19। तो ये आपके प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है जी, अब जो बाकी बच गए नंबर्स हैं उनको क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो आपके कॉम्पोजिट नंबर्स हो गए। जैसे 4 है, 6 है, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 आर द कॉम्पोजिट नंबर्स। अब हमने इनको सेपरेटली लिख लेना, जो सर्कल वाले वो क्या बताए मैंने, आपके प्राइम नंबर, सर्कल में जो नंबर्स होंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, और जो बाकी जो बच गए नंबर्स हैं वो क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। अब हमने यहाँ पर ऐसे लिख लेना है, प्राइम नंबर्स क्या हो गए, 2, 3, 5, 7, 11, 17, 13, 17 एंड 19। इसी तरह से कॉम्पोजिट नंबर्स हमारे पास क्या थे, हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए थे, 4, 6, 8, 9, यहाँ पर हमने लिख लिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 एंड 20 आर द कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है जी, अगला हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। अब इसके लिए भी बेटा सबसे पहले आप प्राइम नंबर्स लिख लीजिए, प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10। ठीक है जी, 1 एंड 10 में प्राइम नंबर्स 2, ठीक है जी, 3, देन 5, फिर उसके बाद 7 हो गया। ठीक है, 8 नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता। तो ये आपके प्राइम नंबर्स हैं, ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है जी, बिटवीन 1 एंड 10। ओके, अब ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या हुआ, 7 जो है, ये देखिए सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है, 7। तो हम क्या लिख देंगे, 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है यहाँ पर, 7 प्राइम नंबर, ये आपका लिख दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम नंबर्स लिख लेंगे, क्योंकि हमें कई बार याद नहीं रहते हैं, तो हमने लिख लिए कि 2, 3, 5 एंड 7 आर द प्राइम नंबर्स अप टू 10। अब उसमें से सबसे बड़ा हमारा प्राइम नंबर क्या है, 7 है। अब करेंगे बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ द 2 ऑड प्राइम्स। ये आपको दे रखा है सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। क्वेश्चन को समझना है, हमें 2 ऑड प्राइम नंबर्स लेने हैं, सम मतलब एड करना है। तो प्राइम नंबर्स कैसे होने चाहिए, ऑड नंबर, ऑड प्राइम होने चाहिए। अब आपको ये पता है कि इवन प्राइम नंबर क्या है, यहाँ पर देखो जैसे ये बताया हुआ ट्रू फॉल्स में, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। आपका जो 2 है वो इवन प्राइम नंबर है, हमने 2 नहीं लेना है, हमने क्या लेने हैं, जो ऑड होंगे। ठीक है जी, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए कर लेते हैं। अब हमें क्या दे रखा है, एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द 2 ऑड प्राइम्स। अब 44 दे रखा है, 44 को हमने एड करके कैसे लिखना है कि 2 ऑड नंबर्स ही आने चाहिए, 2 ऑड प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब देखो हम 2 नहीं ले सकते हैं, 2 की, क्योंकि 2 जो क्या है, इवन नंबर है। हमें क्या चाहिए, ऑड प्राइम ही चाहिए, हमें क्या ऑड नंबर्स ही चाहिए।
अब हमने टू के बाद हमने ले लेते हैं थ्री, थ्री करके देख लेते हैं। थ्री में से हमने अब 3 - 41 करेंगे, ठीक है जी। 3 - 44 करके देख लेते हैं कि 44 - 3 करेंगे तो नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा है, 41 है। मतलब 3 + 41 करेंगे तो हमारे पास 44 आ रहा है। अब यहाँ पर देखो हमें याद नहीं है कि क्या 41 जो है आपका प्राइम नंबर है या नहीं है। अब देखो जो सर्कल वाले क्या हैं, आपके प्राइम नंबर्स हैं। ये जितने भी सर्कल किए हुए नंबर्स हैं ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो दैट मीन्स 41 हमारा प्राइम नंबर हुआ। सो क्या हुआ, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 + 41। तो उन्होंने बोला हुआ सम ऑफ द टू ऑड प्राइम नंबर्स लिखने हैं, ये आपके टू ऑड प्राइम नंबर्स हो गए 3 + 41। अब इसी तरह से नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 36। अब 36 को हमने टू ऑड नंबर्स में लिखना है, टू ऑड प्राइम नंबर्स में लिखना है। हम टू तो ले नहीं सकते हैं, हमने क्या ले लेना नेक्स्ट वाला नंबर, थ्री, ठीक है जी। अब हमने 36 - 3 करके देख लेते हैं, ठीक है। 36 - 3 किया तो क्या आ रहा, 33। दैट मीन्स हम 3 नहीं ले सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट वाला हम क्या ले लेते हैं, सपोज अगर हमने यहाँ पर 3 नहीं लिया तो नेक्स्ट वाला नंबर हम 5 ले लेते हैं। नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर क्या है हमारे पास, 5। अब 36 - 5 करके देख लीजिए आप, 36 - 5 क्या होता है, 31। अब चेक करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास बना के रखा हुआ, यहाँ पर बना हुआ टेबल है, तो 31 क्या है हमारे पास, एक प्राइम नंबर है। दैट मीन्स हमने क्या लिखना है, 5 + 31 क्या हो जाते हैं, 36। तो ये दो और प्राइम नंबर्स हो गए जिसका सम हमारे पास क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। अब नेक्स्ट वाला नंबर हमने ले लिया 24, ठीक है जी। 24 ले लेते हैं। अब 24 सबसे पहले टू तो ले नहीं सकते, हमने 3 लेके देख लेना। तो 24 - 3 क्या आ रहा है, 21। 21 जो है प्राइम नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट वाला ले लेते हैं 5। 5 + 5 में क्या ऐड करें कि हमारे पास 24 हो जाए, तो यहाँ पर माइनस करके देख लेते हैं। 24 - 5 करके देख लेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है, 19। तो 19 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है जी। तो 19 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 + 19 एज सम ऑफ द टू ऑड प्राइम नंबर्स, ये 24 आ गया, ठीक है जी, क्लियर है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमने देखो उन्होंने बोला कि ऑड प्राइम नंबर्स ही चाहिए, तो ऑड प्राइम नंबर्स लेने हैं तो हम इसमें 2 नहीं ले सकते हैं, ऐसे 3 लिया। अब 3 में फिर 24 - 3 करके देख लेते हैं। और नेक्स्ट नंबर भी आपका पास जो सेकंड वाला नंबर है वो भी आपके पास प्राइम ही होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपने कैलकुलेशन करके चेक कर लेना है कि हमारे दोनों नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव 3 पेयर्स ऑफ द प्राइम नंबर हूज डिफरेंस इज 2। दो अपने 3 पेयर बनाने हैं प्राइम नंबर्स के जिनका की डिफरेंस क्या होगा, 2। अब आपको बता भी रखा है 2 प्राइम नंबर्स हूज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। उनको क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम्स। दो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 होता है उनको ट्विन प्राइम बोलते हैं। अब हमने पेयर्स बनाने हैं, सो लेट अस स्टार्ट मेकिंग। 2 प्राइम नंबर्स लेने हैं जिनका की डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा। तो सपोज पहला वाला पेयर मैंने फर्स्ट पेयर ले लिया। अब देखो डिफरेंस 2 होना चाहिए, मतलब पहले बड़ा वाला प्राइम नंबर लिखेंगे फिर छोटा। 5 और 3 ले लिया, 5 - 3 क्या हो जाता है, 2, ठीक है जी। नेक्स्ट वाला हम ले लेते हैं, नेक्स्ट सपोज नेक्स्ट वाला पेयर हमने ले लिया। अब नेक्स्ट वाले प्राइम नंबर्स याद कर लेते हैं। नेक्स्ट वाले क्या हो सकते हैं, 7 ले लिया, 7 - 5 करके देख लेते हैं। 7 - 5 भी 2 हो रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट वाला हम थर्ड वाला नंबर क्या ले सकते हैं, 13 - 11। 13 - 11 करने पर भी आपके पास 2 आ रहा है। तो हमारे पेयर्स क्या बन जाएंगे, फर्स्ट पेयर में हमारे पास 5, 3 हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट वाले में हमारे पास 7, 5 हो गया, और लास्ट वाले में हमारे पास क्या हो जाएगा, 13, 11। तो ये आपके 3 पेयर्स बन गए जिनको डिफरेंस मतलब माइनस करने पर आपके पास 2 आंसर आ रहा है, फाइन। अब नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फाइंड आउट करना विच इज प्राइम। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। तो 23 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 23 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 1 और 23 ओनली।
ठीक है। दैट मीन्स क्या है, 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है। इसके आगे लिख देंगे प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर है। उसके बाद आपके पास 15 है, तो 51 है, 51 का एक फैक्टर तो हो गया 1 एंड दूसरा वाला हो गया 1 एंड 51, ठीक है जी। नेक्स्ट वाला क्या होगा, 51 को हमने जब करा तो ये 17, 3 ज़ 51 होते हैं, ठीक है जी। तो आपके पास क्या आ रहा है, 3 एंड 17, दैट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स आ गए उसको क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर। तो नेक्स्ट वाला है 37, 37 के फैक्टर्स चेक कर लेते हैं। 37 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 एंड 37 पहला आ गया। अब नेक्स्ट 37 किसी और टेबल में नहीं जा रहा, किसी से भी डिवाइड नहीं होता, तो दैट मीन्स ये दो फैक्टर हुए, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, दैट मीन्स ये क्या है, प्राइम नंबर हो गया आपके पास, ठीक है जी। इसी तरह से 26 है, 26 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 26 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1 एंड 26। उसके बाद आपका 26 जो है 2 से जा रहा है, ठीक है जी। 2 से जाने पर ये आ रहा है 13 2 ज़ 26, मतलब ये आपका क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर हो गया, ठीक है जी। तो जिसके दो फैक्टर्स होंगे वही आपके प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स आपके पास 23 एंड 37 आर द प्राइम नंबर्स। फाइन, अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। आपने फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 9 में, राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 100। अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है एक के बाद एक, जैसे मैं आपको यहाँ पर काउंटिंग लिख रही हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर काउंटिंग लिखी 1 2 3 4 5, तो ये कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग हुई, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक सीक्वेंस वाइज आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या लिखने हैं, कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 100, सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर इन बिटवीन देम, उनमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए हमें ये वाली जो हमारी ये थ्योरम है, ये जो ये बनाया हुआ टेबल है, इसी को यूज करेंगे। उसमें आपके 7 कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ पर आपको बोला हुआ कि 7 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ से 1 से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। इन बिटवीन आप देखोगे कि आपके पास प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लास्ट वाले नंबर्स को चेक करना है। यहाँ पर देखो 90 भी एक आपका कॉम्पोजिट नंबर है, 91 भी कॉम्पोजिट है, 92 भी कॉम्पोजिट है, 93, 94, 95, 96, ये आपके लगातार 7 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स क्या आ गए, ये हम लिख देंगे। क्या आगे कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96, 7 बन गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक आ रहे हैं। तो दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स।